Hello and welcome to the third part of analysis of Delhi University LLB Entrance 2019. I am Aditya Yadav and you are watching The Social Indian. In this video, we have divided the video into 7 parts. Now, in 7 parts, we have divided the analysis wala chashma bhi laga liya hai. So, is analysis wale chashme ko lagane ke baad, jab hume laga ki ye paper hume kaise distribute kiya jaye, divide kiya jaye, jab aapke saath hum answer ki discuss kar rahe the pichle 2 videos mein, agar aapne answer ki nahi dekhi hai to wo dekh lijiye pichle videos mein jaake, aur agar aapko official nahi aayi abhi tak answer ki lekin unofficial answer ki chahiye to hamare WhatsApp group se aap le sakte hain, wahan pe humne dal di hai, check kar lijiyega. Ab in video mein hum sirf 7 cheezon ke bare mein baat karenge. Sabse pehli cheez jo analysis mein aati hai wo ye aati hai ki exam easy tha ya tough tha. दूसरी चीज हम बात करेंगे एग्जाम के पैटर्न के बारे में. तीसरी चीज कि ये बार काउंसिल का एग्जाम था या दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जाम था, इसके बारे में हम बात करेंगे. चौथी चीज किस सेक्शन से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए और कैसे कौन सा सेक्शन नेग्लिजिबल हुआ या किस में से ज्यादा क्वेश्चन आए, उसके बारे में बात करेंगे. पांचवी बात जो हम करेंगे वो करेंगे पीपल्स रिव्यू, पब्लिक ओपिनियन, जनता जनार्दन क्या कहती है इसके बारे में. छठे नंबर पर हम बात करेंगे आंसर की और सातवें नंबर पर हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो हमें लगता है, जब द सोशल इंडियन आदित्य यादव को लगता है कि कितनी कट ऑफ आ सकती है उसके बारे में. तो एनालिसिस का चश्मा भी हम उतार देते हैं फिलहाल और बात करते हैं सबसे पहले कि पेपर हार्ड था या आसान था. तो अगर पब्लिक ओपिनियन पर जाएं हम कम्प्लीटली, तो पेपर बहुत ज्यादा हार्ड था, क्योंकि जिसके भी फोन या मैसेज आए सबने यही बताया कि सर पेपर बहुत हार्ड था, पेपर बहुत हार्ड था, पेपर बहुत हार्ड था. लेकिन पेपर तो हर साल हार्ड आता है, कुछ ना कुछ नया जरूर आता है. अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन ऐसे नहीं थे जो आप एक्सपेक्ट कर सकें, ना कहीं 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में दिखे वो, ना कहीं 1000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में दिखे, ना वो सिंगल एसएस गाइड कहीं दिखे. तो ऐसे क्वेश्चन जो थे वो आपके लिए टफ माने जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने ढंग से पढ़ा होता, अगर आपने ढंग से वीडियोस को देखा होता, तो अगर आप वीडियोस भी आज जाके भी जो पिछले पुराने 20-25 हमारे एपिसोड है उनको भी अगर आप देखेंगे ना, तो आपके 80 से 100 नंबर तो 100% फिक्स हो रखे हैं. वहां पे 80 से 100 नंबर की तो हमने बोल के बताया हुआ है कि ये आंसर है, ये आंसर है. जैसे यूथनेशिया वाला केस हो गया, कॉमन कोर्स जो आया था उसमें 2 क्वेश्चन आए एक केस से. उसके बाद होमोसेक्सुअलिटी का केस आया, उससे भी क्वेश्चन आए, शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन आए, अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चन आए, तो वो सीधे सीधे आपके सॉल्व हो रहे थे. आर्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चन आए, हमने आर्टिकल इंपॉर्टेंट डिस्कस किए हुए थे. तो अगर आपने वीडियोस देखी होती तो 80 से 100 नंबर तो आपके सीधे सीधे वहां बने हुए थे. चलिए कोई बात नहीं, अगर आपने उधर भी ध्यान नहीं दिया है फिर भी पेपर को अगर आप ढंग से टैकल कर सकते थे, अब तो पीछे चला गया, उसकी कोई बात है नहीं करने की कि कैसे करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था. हाँ, पेपर टफ था, पेपर में क्वेश्चन ऐसे थे जिनका आंसर करना मुश्किल था किसी भी एक नॉर्मल आदमी के लिए जो प्रिपरेशन कर रहा है, तो पेपर टफ था, इसे हमने टफ की कैटेगरी में रखा है. अब हम चश्मा एक बार लगाते हैं पैटर्न के लिए. तो पैटर्न के लिए अगर हम बात करते हैं तो पैटर्न भी इस बार डिफरेंट था, एंड दिस इज अ प्रॉब्लम विद दिल्ली यूनिवर्सिटी. मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि हर साल वो पैटर्न बदलते हैं, हर साल वो पैटर्न बदलते हैं, देयर इज नो फिक्स्ड पैटर्न. जब लोग मुझे पूछते थे कि कौन सा सब्जेक्ट सर हम ज्यादा पढ़ें, कौन सा कम पढ़ें, तो जी हाँ, ये मैंने जरूर कहा था कि मैथ से कम पार्ट क्वेश्चन आएगा, लेकिन कभी भी ये नहीं लगा था कि पैटर्न इतना ज्यादा बदल जाएगा. लेकिन एक बात जो मेरी बातों में तय थी वो आज भी यही है कि आप किसी भी एग्जाम को करने जाएं तो उसके सभी सेक्शन, सभी सब्जेक्ट पर इक्वली फोकस करें, बराबर फोकस करें, क्योंकि आजकल कुछ भी नहीं पता होता कब एग्जाम में क्या चेंज हो जाए. तो यहाँ पर पैटर्न बिल्कुल चेंज था, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के उसमें जाकर देखेंगे कि 2015 से 2016 में पैटर्न कितना चेंज था, तो भी आपको चेंज दिखाई देगा. 16 से 17 में भी आपको चेंज दिखाएगा, 17 से 18 भी चेंज दिखाई देगा. तो 18 से 19 तो 200-300 किलोमीटर का फर्क है, वो तो दिखाई दे ही रहा है. अब तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि पेपर दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस का था या बार काउंसिल का था. इसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हुई क्योंकि बहुत ज्यादा लीगल पूछ लिया इन्होंने, अंदर घुस के लीगल पूछा है. आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो शायद एक लॉ स्टूडेंट भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कंप्लीट करने के बाद ना बता पाए. मानता हूं इस पार्ट पर बहुत ज्यादा टफ थी यूनिवर्सिटी, एंटी ने लिया एग्जाम, उसके बाद क्वेश्चन थोड़े हार्ड थे ये भी मानता हूं, बार काउंसिल टाइप भी लग रहा था क्योंकि आईपीसी भी पूछी हुई थी, सीआरपीसी भी पूछी हुई थी, कई चीजें पूछी हुई थी, फिर कमीशन्स पूछे हुए थे, लॉ रिपोर्ट्स पूछी हुई थी, तो ये थोड़ा पेपर लग रहा था कि हाँ भाई पेपर टफ है. इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शंस की कि कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आए, कौन से बिल्कुल कम क्वेश्चन आए. तो अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम देखें तो किससे आ रहे हैं, वो आपके आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, पॉलिटी से, स्टैटिक जीके भी बहुत पूछी गई है. अगर आप देखेंगे तो लीगल पार्ट था वो भी थोड़ा हैवी था देखा जाए लास्ट टाइम से. अब जो जिनको नेग्लिजिबल कर दिया गया वो था लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स.
मैथ्स तो हर बार ही ऐसा आता है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश को भी इस बार ना के बराबर कर दिया गया। दो तीन शब्दों में सिमटा दी गई अंग्रेजी, और ना पैसे जाए ना कुछ और, कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल आया ही नहीं। तो यहाँ पर चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि लोगों के जो कट ऑफ में मार्क्स हैं वो हाई जाए, लेकिन देखते हैं अभी जब हम आखिरी में डिस्कस करेंगे कट ऑफ कितनी जा सकती है, हमारा क्या ओपिनियन है, तब इसके बारे में ज़्यादा विषय से चर्चा कर पाएंगे। लेकिन मैथ्स और इंग्लिश ना आने की वजह से पूरा पूरा सीधा सीधा असर पड़ेगा पेपर की टफनेस पर। अब जब इंग्लिश नहीं आएगी, मैथ्स नहीं आएगा, तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या फ़ायदा ऐसा एंट्रेंस एग्ज़ाम बनाने का, व्हेन आप जब ये बच्चों को देख रहे हैं कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाएंगे, लॉ कराएंगे, जब वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे तो इंग्लिश विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज, वहाँ पे उनको इंग्लिश में प्लीड करना होगा, सब कुछ इंग्लिश में करना होगा, तो वो कैसे करेंगे अगर उनकी अंग्रेजी कमज़ोर होगी। यहाँ पर उन लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ है जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर थी, जो घबरा रहे थे, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इंग्लिश को इंक्लूड करना चाहिए था, और जो इंग्लिश को जो वेटेज मिला है वो सफिशिएंट नहीं था, ज़्यादा वेटेज मिलना चाहिए था। अब अगर आते हैं पब्लिक ओपिनियन पर, पीपल रिव्यू जो हमारा पांचवा वो था, इसके लिए हमें चश्मे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सरासर साफ साफ दिख रहा है, ये जनता ने खुल के एक्सप्लोर किया है, एक्सपोज किया है कि भाई फेसबुक पे भी बता रहे हैं कि पेपर हार्ड था, इंस्टाग्राम पे भी बताया, व्हाट्सएप पे तो छड़ी ही लग गई थी मैसेजेस की कि पेपर हार्ड था, पेपर हार्ड था। तो जी हाँ, पेपर हार्ड था, ज़्यादातर लोगों का यही ओपिनियन निकल कर आ रहा है। लेकिन कुछ मैसेज मुझे ऐसे भी आए हैं कि सर 70 क्वेश्चन मेरे सही हैं, 75 क्वेश्चन मेरे सही हैं, ओवरऑल काट पीट कितने सही आ रहे हैं। एक मैसेज मेरे को आया था, मुझे बहुत खुशी हुई, उन्होंने कहा मेरे 82 क्वेश्चन सर सही आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन मेरे गलत आ रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने ज़्यादा मार्क्स कोई लेके आएगा, अच्छा अचीव कर रहा है, अच्छा स्कोर कर रहा है, तो बहुत खुशी होती है। लेकिन अगर हम पब्लिक ओपिनियन ओवरऑल देखें तो वो था पेपर टफ। और साथ ही साथ एक और बात यहाँ पर ये भी देखें कि जो साथ साथ मिक्स ओपिनियन आ रहा है, इसे कम्प्लीटली टफ भी नहीं कह सकते, कम्प्लीटली ईजी भी नहीं कह सकते, मिक्स ओपिनियन है, तो इसे मिक्स ही लेकर चलते हैं। अब आंसर की बात करते हैं। आंसर की जो है आपकी वो आ जाएगी 9 तारीख के आसपास तक आ जानी चाहिए आपके आंसर की। उसके बाद आपको ऑब्जेक्शंस का मौका मिलेगा ऑब्जेक्शन ट्रैकर के थ्रू, वहाँ पे आप अपने ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। अगर किसी के पेपर में कोई दिक्कत हुई थी, ऑनलाइन ग्लिच हुए थे, टेक्निकल ग्लिच हुए थे, तो भी आप वो डाल सकते हैं। और साथ साथ आंसर की में आपको कोई दिक्कत है तो आप आंसर की के लिए भी डाल सकते हैं। अब आते हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट और सातवें पार्ट पर, जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है? लास्ट ईयर जनरल के लिए गई थी 222, और मैं जनरल के लिए हमेशा इसीलिए डिस्कस करता हूँ कट ऑफ, क्योंकि जनरल एक पैमाना है, उसके बाद आप ओबीसी एससीएसटी अपने आप लगा सकते हैं। ओबीसी उससे 30 मार्क्स कम लगा के चले, एससीएसटी उससे 50-60 मार्क्स नीचे लगा के चले, तो वो आपके लिए एक पैमाना हो जाता है देखने के लिए कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे लिस्ट में। तो जनरल की जब पिछली बार 222 गई थी, तो इस साल अगर आप पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड बता देते हैं तो ऐसा तो होगा नहीं कि 222 से 150 के ऊपर पहुंच जाए कट ऑफ, ये तो मुमकिन है ही नहीं, सच्चाई मुमकिन होती नहीं है ऐसी। सच पर फोकस कीजिए, रियलिटी पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर जो लग रहा है कट ऑफ कितनी जा सकती है, मुझे ये लगता है कि पेपर के कितने भी टफ हो जाने से या कितने भी ईजी हो जाने से कट ऑफ पे 10 या 15 नंबर का फ़र्क पड़ता है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो या तो अगर पेपर इजी होता तो कट ऑफ जाती 235 के आसपास, जो हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 235 या 240 के आसपास जाएगी कट ऑफ। लेकिन अब पेपर जब टफ गया है, पेपर हार्ड गया है, तो वही 10 से 15 नंबर हम कम मानकर चल रहे हैं, यानी 207-210 के करीब आनी चाहिए कट ऑफ। ये 200 तक भी हो सकती है, 210 तक भी हो सकती है, 215 तक भी हो सकती है। लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि 190-180 कट ऑफ आ जाएगी, तो थोड़ा मुश्किल है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। द रिजल्ट कैन बी एज एन एक्सपेक्टेड एज इट वॉज इन द एग्जाम, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी हमारा अनुमान ये है कि 210 के करीब रहेगी, 210 से ऊपर नीचे आप लगा लीजिए 10-15 नंबर, उसी के आसपास रहेगी कट ऑफ, और उससे ज़्यादा कम नहीं होने वाली है। तो अगर आप इसमें फॉल करते हैं तो आप बढ़िया से चादर ओढ़ के सो जाइए, टिकटें बुक कर लीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, होप सभी भी जिंदा हैं। जब तक कट ऑफ नहीं आती, जब तक कोई भी कुछ भी कह ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा क्या कट ऑफ है, ये हमारा अनुमान है। आपका क्या अनुमान है हमें नीचे जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कितनी कट ऑफ जा सकती है, और आपको क्या लगता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये भी हमें ज़रूर नीचे बताइएगा। और ये भी बताइएगा वीडियोस हमारी बेनिफिशियल थी कि नहीं थी, और साथ ही साथ आगे आप क्या देखना चाहेंगे सीरीज़ में, वो भी हम आपसे सजेशन चाहेंगे। इस वीडियो को यहीं पर ज़्यादा समय न लेते हुए ख़त्म करते हैं। भारत माता की जय। जय हिंद।